देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। देखते आज की कुछ खास खबरें। पिकअप वाहन के सामने लेटे वृद्ध, मानेवाड़ा चौक के समीप ट्रैफिक पुलिस ने दस्ते ने नो पार्किंग में खड़े वाहन उठा लिए। इसमें से एक वाहन वृद्ध का था। पहले तो वृद्ध ने पुलिस कर्मियों से वाहन छोड़ने की गुजारिश की, बात नहीं बनने पर सीधे गाड़ी के सामने लेट गए। आखिर पुलिस को उनका वाहन वापस नीचे उतारना पड़ा। वृद्ध होने के कारण पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया, वरना सरकारी काम में बाधा निर्माण करने के लिए कानूनी कार्रवाई की जा सकती थी। वृद्ध के गाड़ी के सामने लेटे जाने का वीडियो व्हाट्सएप पर जमकर वायरल हो गया। आला अधिकारियों ने पूछताछ की तो पता चला कि अजनी ट्रैफिक विभाग में तैनात ASI शालिग्राम गुरुवार की दोपहर अपनी टीम के साथ नो पार्किंग में खड़े वाहनों की डिटेन कर रहे थे। मातम में बदली बर्थडे पार्टी, छात्रों की कार पलटी, एक मृत, सात गंभीर जख्मी। वर्धा रोड पर शुक्रवार की रात भयानक हादसा हुआ। बर्थडे पार्टी मनाकर लौट रहे छात्रों की कार अनियंत्रित होकर पलट गई। बताया जाता है कि गाड़ी काफी तेज गति में थी और मोड़ पर कंट्रोल नहीं हो पाई। इस हादसे में एक छात्र की मौत हो गई, जबकि सात बुरी तरह से जख्मी हो गए। हिंगना पुलिस ने मामला दर्ज किया है। दुरंतो मामला, 28 लाख रुपए नगद जब्त में, IT विभाग को सौंपी गई जांच। कुरियर मैन के पास मिला 40 लाख रुपए का माल। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा शुक्रवार रात नागपुर मुंबई दुरंतो एक्सप्रेस में पकड़े गए कुरियर मैन के पास से उम्मीद से ज्यादा गहने और रकम मिली। आरोपी का नाम अंबिका नगर नरसाला रोड निवासी बाला साहब सुखदेव घोटोले है। उसे गिरफ्तार किया गया है और आगे की जांच शुरू की गई है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे MNS न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।